नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, लगातार जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, लगातार उसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। कुणाल चौधरी जी युवा विधायक हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहते हैं वो, इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस पे कहना क्या है, जिस प्रकार से 380 रुपये जब गैस की टंकी हुआ करती थी तब कहीं ना कहीं ये कपड़े उतार के नाटक करा करते थे, और 50 रुपये पेट्रोल और डीजल होता था, 65 रुपये पेट्रोल तो शिवराज जी साइकिल पे चला करते थे, और उस समय महंगाई को डायन कहा करते थे। और आज जब 100 से पार पेट्रोल हो चुका है, 110 के पार पेट्रोल हो चुका है, गैस की टंकी 900 हो चुकी है, तो उसे विकास कह रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा इनका विकास पागल हो चुका है, इस पागल विकास को रोक ले, ताकि जनता को यह पागल विकास मारता जा रहा है। कभी खाने के तेल की कीमतें बढ़ जाती है, कभी जो जो मूल चीज़ें जरूरत होती है एक आम इंसान को, वो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, और इनसे सवाल पूछो तो बेतुके बयान देते, और खुद का भी मानसिक दिवालियापन हो चुका है इनके मंत्रियों का, क्योंकि जो महंगाई पे इनके बयान आते हैं वो काम करने की जगह उसको कम कैसे करें उस पर सोचने की जगह यूल जलूल बयान देने का काम। सांसद ने कहा है कि कांग्रेस बेवजह आरोप लगाई, महंगाई तो कहीं है नहीं। शादी प्रज्ञा ठाकुर, देखिए उन्होंने जो कहा है कि कांग्रेस की सोच, सही बात है, कांग्रेस की सोच है, क्योंकि आम जनता की सोच ही कांग्रेस की सोच, क्योंकि आम जनता को महंगाई लग रही है तो कांग्रेस को महंगाई लग रही है। अब अगर ये किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि भैया 50 में पेट्रोल डीजल महंगा था और उससे 110 में सस्ता है, तो ये अब इन तरह के जवाब सवालों का जवाब देना है, जनता खुद जानती है, जनता खुद किस प्रकार की परिस्थितियों किस स्थितियों के अंदर है। मुझे लगता है कि यही मानसिक दिवालियेपन का शिकार पूरी भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। उपचुनाव अभी दमोह में हुआ, दमोह के बाद 4 उपचुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, इसके लिए आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से जोबट पीथीपुर है? देखिए, पूरी तरीके से जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल के ऊपर मोहर लगाने का काम यहाँ पे दमोह उपचुनाव में जनता ने किया, और जनता स्पष्ट रूप से इन्हें जवाब देगी और पूरी ताकत के साथ इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है महंगाई से परेशान है, महिला उत्पीड़न से परेशान है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ताक पर रखी हुई है, उससे जनता परेशान है, स्पष्ट रूप से जनता इन्हें जवाब देगी। एक लास्ट बात, भोपाल की सड़कों के लिए क्या कहेंगे आप? अब यहाँ सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, ये तो सरकार तय करे। खुद किसी डिपार्टमेंट को बंद करने के बाद भ्रष्टाचार के जीते जागते नमूने के रूप में जो इनका 15-17 साल का भ्रष्टाचार है उसके ये गड्ढे दिखते हैं। ये गड्ढों में सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी समाचार। धन्यवाद भैया। आप देख रहे हैं राजधानी समाचार, बात हो रही थी जो कुणाल चौधरी जी हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हर मुद्दे पर चर्चा कर राजधानी समाचार जो नियम इसका रिपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.